जी नाज़रीन, ये कलात मंगेचर के मकाम पर 2 दिन से रोड बंद है। जैसे कि आपको पता है, इलेक्शन में धांधली की वजह से बलूचिस्तान भर में सड़कें बंद है, लेकिन यहाँ पे कलात में ये जो होटल है, इस होटल मालिक को भी कोई चीज़ बेचने की अलाउ नहीं है। यहाँ पर एक कप चाय तक ये नहीं बेच सकता है। होटल मालिकान को इंतहाई सख्ती से मना कर दिया गया है। लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, 2 दिन से लोग रुल गए, खाने पीने तक की चीज़ें इनको मुयस्सर नहीं है। और सुबह एक जमियाद ड्राइवर रात भागने की कोशिश की तो उस पर फायरिंग हुई है और एक खातून को भी गोली लगी है। खातून को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जबकि अब मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन हो इलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो भी गया, इतनी नाजुक माहौल में लोगों ने आपको वोट भी दिया और तब भी लोग ख्वार है, अभी भी लोग ख्वार है। अभी जो इलेक्शन जीते हुए हैं, जो आ रहे हुए हैं वो भी सुकून की ज़िंदगी अपने घर में बैठे हुए हैं। जो जीते हुए हैं वो 2-3 दिन बाद इस्लामाबाद या बलूचिस्तान असम्बली कहीं पर जाके ऐश वशरत की ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन ये आवाम को ख्वार करना, जलील करना हमारा नेचर है, हमारा कल्चर है। जो कुछ भी हो, इलेक्शन से पहले भी आवाम खौफ में मुब्तला था, बस सिर्फ और सिर्फ अपने पब्लिक को ख्वार करना है, जलील करना है और कुछ नहीं करना है। ये आप देख सकते हो, ये इनमें छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है यहाँ पर। कल से ये सारे मुसाफिर फंसे हुए हैं। रोड इंतहाई सख्त किस्म की ट्रैफिक है मंगेचर पे, तो लिहाजा गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। यहाँ पे चाय तक, बिस्किट तक मैसर नहीं है। इस होटल मालिकान को बोला गया है कि कोई भी चीज़ आप नहीं बेच सकते हो किसी भी मुसाफिर को। तो कराची खुशदार से क्वेटा आने वाले ये जहमत ना करें और क्वेटा से जाने वाले खुशदार कराची जाने की जहमत ना करें। फ़िलहाल गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अपने घर में बैठ जाए। सख्त सर्दी में बादल छाए हुए हैं, बारिश का इम्कान है, मौसम इंतहाई ख़राब है। लेकिन वही बात है कि अब कोई गिला करे तो किस से करे, कोई जाए तो कहाँ कहे, कहाँ जाए।